हुजूर अलैहिस्सलाम ने उन्हें फरमाया मेरे इसी कुएं की मुडेर पे मैं बिल्कुल मेरे सामने बैठ जाओ। अब मैं तुम्हें किस तरह अर्ज करूं, रहमत आलम के बाद हजरत अबू बकर का विसाल हुआ उसी तरह हुजूर के साथ लेते थे जिस तरह हुजूर सरवर कायनात ने मुडेर के साथ बिठाया था। आगे हजरत फारूक आजम का विसाल हुआ वो भी उसी तरह हजरत अबू बकर के साथ आकर लेटे जिस तरह रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ मुनेर पे साथ बिठाया था। और अगर आप दोस्तों का शौक साथ दें जो गए हैं वो मेरी बात को जानते हैं तो समझेंगे, जो नहीं गए मैं उनसे अर्ज किए देता हूँ कि जिस वक्त हजरत उस्मान की शहादत हुई उन्हीं बिल्कुल हुजूर सरवर कायनात के सामने जन्नतुल बकी में दफन किया गया। और आप भी कोई आदमी सुतर बांधे ना और बिल्कुल रहमत आलम के गुंबद हजरत उस्मान के मजार से शुरू करो, सुतर बांध के उसे ले आओ, उसी तरह रहमत आलम के गुंबद खिदरा पे वही आएगा जहां हुजूर ने हजरत उस्मान को फरमाया था कि मेरे सामने बैठ जाओ। खैर इसकी तफसीलात हैं, ये मेरा मौजू नहीं, बात चलते चलते आ गई, मैंने अर्ज कर दिया। सैयदना उस्मान की शहादत हुई पूरे और जिस तरह बलवाई आए थे, कोई कूफा से आया है, कोई बसरा से आया है, कोई ईरान से आया है, कोई ईरान से पता नहीं कहां कहां से कौन कौन, उन हालात में सिवाय इसके और कोई चारा नहीं था कि लोगों ने सैयदना अली और मुर्तजा से दरखास्त की। और तारीख के हवाले से मैं दरख्वास्त करता हूं, वाकया ये है कि जितना सैयदना अली और मुर्तजा ने इस अमर को अपने से दूर रखने की कोशिश की लेकिन अब उम्मत के पास क्यादत के लिए सिवाय आपके कोई और शख्सियत भी मौजूद नहीं थी। खैरो आपसे अर्ज कर रहा हूं, रहमत आलम के विसाल के बाद पूरी कायनात में अबू बकर की टक्कर का कोई आदमी नहीं था। सबसे अफजल आला शख्सियत सैयदना सिद्दीक अकबर की, सिद्दीक अकबर के बाद पूरी उम्मत में सबसे अफजल आला सैयदना फारूक आजम और फिर सैयदना उस्मान। आज जब बारी आई है ना सैयदना अली अल मुर्तजा की, मुझे इजाजत दो कि मैं आपसे अर्ज करूं मशरिक से लेकर मगरिब तक, शिमाल से लेकर जुनूब तक, तहत सरा से लेकर अर्श मुअल्ला तक पूरी उम्मत पूरी इंसानियत में सैयदना अली अल मुर्तजा से बढ़कर कोई और शख्सियत आज मौजूद नहीं थी। सबसे बुलंद वाला अफजल वाला जलील और कदर रफी और मर्तबत शख्सियत उस वक्त सैयदना अली और मुर्तजा की थी। जैसे कैसे लोगों ने कहा आप मान गए उसकी तफसीलात हैं। सैयदना अमीर मुआविया ने वो हजरत फारूक आजम के जमाने से हजरत उस्मान के जमाने से शाम के इलाके के गवर्नर चले आ रहे थे, उन्होंने हजरत अली अल मुर्तजा से दरखास्त की कि हजरत मियां मानता हूं मैं ताल पे लकड़ियां तोड़ने वाला हूं, मैं मानता हूं कि तूड़ी तोड़ना मेरा काम है, आज तुमने सोने की दो तोलने पे अगर कारी साहब ने बिठा दिया है तो जरा तवज्जो करें, इंशाल्लाह ऐसे तोलेंगे कि तुम्हें मच्छर के पर के बराबर भी किसी तरफ से झुकाव नजर नहीं आएगा। और वादा रहा कि मैंने ज्यादा वक्त नहीं लेना, बस अब चंद मिनटों में बात को समेटता हूं, मैं गुजारिश करता हूं
सैयदना अली अल मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हजरत सैयदना अबी मुआविया ने पैगाम भेजा, हजरत जितने हजरत उस्मान के बलवाई लोगों कातिल थे वो सुबह शाम आपके करीब हजरत उस्मान की के खून का जब तक